राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ेगी और यात्रा में 5 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। प्रधानमंत्री ने इसके अतिरिक्त असम के लुमडिंग के 182 रूट किलोमीटर के नए विद्युतीकृत खंडों को भी समर्पित किया और एक नवनिर्मित डेमू मेमू शेड का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 3 विकास कार्य एक साथ पूरे किए जा रहे हैं। इससे न केवल बंगाल और असम की सदियों पुराने जुड़ाव को मजबूती मिलेगी और साथ ही दोनों राज्यों के नागरिकों को सुविधाएं प्रदान होंगी। आज असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट की रेल कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी से जुड़े 3 काम एक साथ हो रहे हैं। पहला, आज नॉर्थ ईस्ट को अपनी पहली मेड इन इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस मिल रही है। दूसरा, ये पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। असम और मेघालय के लगभग 425 किलोमीटर ट्रैक पर बिजलीकरण का काम पूरा हो गया है। तीसरा, लामडिंग में नवनिर्मित डेमू मेमू शेड का भी आज लोकार्पण हुआ है। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए असम मेघालय सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल के साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, गुवाहाटी जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन असम और पश्चिम बंगाल के बीच सदियों पुराने संबंधों को और मजबूत करेगी। इससे इस पूरे क्षेत्र में आना जाना और तेज हो जाएगा। इससे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले युवा साथियों को सुविधा होगी और सबसे अहम बात, इससे पर्यटन और व्यापार से बनने वाले रोजगार बढ़ेंगे। ये वंदे भारत एक्सप्रेस माँ कामाख्या मंदिर, काजीरंगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कनेक्ट करेगी। इसके साथ साथ मेघालय के शिलोंग, चेरापूंजी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पासीघाट तक भी पर्यटकों की सुविधा बढ़ जाएगी। गति के साथ साथ भारतीय रेल आज दिलों को जोड़ने, समाज को जोड़ने और लोगों को अवसरों से जोड़ने का भी माध्यम बन रही है। आप देखिए, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला ट्रांसजेंडर टी स्टॉल खोला गया है। ये उन साथियों को सम्मान का जीवन देने का प्रयास है जिनकी समाज से बेहतर बर्ताव की अपेक्षा है। इसी प्रकार वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इस योजना के तहत नॉर्थ ईस्ट के रेलवे स्टेशनों पर स्टॉल्स बनाए गए हैं। ये वोकल फॉर लोकल को बल दे रहे हैं। इससे हमारे स्थानीय कारीगर, कलाकार, शिल्पकार, ऐसे साथियों को नया बाजार मिला है। नॉर्थ ईस्ट के सैकड़ों स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा दी गई है। संवेदनशीलता और गति के इसी संगम से ही प्रगति पथ पर नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ेगा। विकसित भारत के निर्माण का रास्ता सशक्त होगा। एक बार फिर आप सभी को वंदे भारत और दूसरे सभी प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज से 10 साल पहले तक नॉर्थ ईस्ट के बारे में केवल लुक ईस्ट की पॉलिसी होती थी। मोदी जी ने आके उसको बदला, एक्ट ईस्ट की पॉलिसी लेके आए। एक्ट ईस्ट की पॉलिसी में नॉर्थ ईस्ट में हर तरह की कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, पावर सेक्टर, हर एक में बहुत बड़े जो परिवर्तन आए, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आए। साथियों, अगर सिर्फ रेलवे की बात करें, 2014 से पहले अष्ट लक्ष्मी के इस विराट प्रदेश में, दुर्गम क्षेत्र में,
इतने सुंदर नेचुरल परिवेश में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए क्या मिलता था? केवल 2,100 करोड़ मिलता था साल का। मोदी जी ने आके उसको डबल किया, ट्रिपल किया, चार गुना किया और इस बार 5 गुना करके 10,200 करोड़ रुपए का एलोकेशन दे रहे हैं मोदी जी रेलवे के डेवलपमेंट के लिए, और उसका परिणाम जमीन पे दिख रहा है। पिछले 9 वर्षों में 1,618 किलोमीटर के नए रेलवे ट्रैक बनाए मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट में। 122 किलोमीटर लंबी तो सिर्फ टनल्स है, इतना मुश्किल काम ये कोई अगर कर सकता है तो मोदी जी का संकल्प, उस संकल्प से ही नॉर्थ ईस्ट का बड़ा परिवर्तन हो रहा है। साथियों, आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को। नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत को अभी आप फ्लैग ऑफ करेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।